आ गया है मेरा कीबोर्ड जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था। देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके कि क्या और कैसा कीबोर्ड निकलता है इसमें। मैंने मैकबुक प्रो के लिए मंगाया हुआ है तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके सो मैं मोबाइल को एक जगह रख देता हूँ फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके सो इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ये है इतना बड़ा पार्सल और इतना सा इसमें कीबोर्ड निकला। तो ये है हाइड्रा का 10 फोटोनिक्स का हाइड्रा 10 कीबोर्ड। ये देखिए इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। फोटोनिक्स ब्रांड नेम फोटोनिक्स हाइड्रा 10 मॉडल नंबर POR 1881। इसका MRP लिखा है 9999। ये मुझे पड़ा है ओनली 22,300 में। देखते हैं इसका लुक कैसा है। सो कहाँ से ओपन होगा ये, यहाँ से ओपन होगा। ये देखिए इसमें ये कीबोर्ड निकला है। ये देखिए क्या लुक है इसका। वाह देखते ही मज़ा आ रहा है। इसका चलाने में कितना मज़ा आएगा। ये लिखा है हाइड्रेटेड मॉडल 2500 mAh की बैटरी है 5V 3000 mAh इसका इनपुट है DC। BIS नंबर है इसका। ये देखिए BIS मार्क है इसमें। BIS मार्क मतलब ये हमारी इंडियन लेबोरेटरी में टेस्टेड है। और ये वाईफाई कनेक्टेड है, ये इसमें सी पोर्ट है एक। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये इसमें एक केबल दी हुई है USB कनेक्टर सी टाइप और USB। तो इसके थ्रू आई थिंक ये चार्ज होगा और इसको शायद इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं USB केबल के थ्रू। इसमें ये मैनुअल दिया हुआ है और ये इनवॉइस रिसीव्ड व्हाट्सएप द फोटो। ये वारंटी है, वारंटी कार्ड है ये। ओके सो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कैसे कैसे आपको क्या करना है। चार्ज द कीबोर्ड यूजिंग द वायर प्रोवाइडेड, टाइप सी चार्जिंग जैक है। ओके इसमें चार्जिंग है, मतलब चार्जिंग फैसिलिटी दी हुई है। इतना सब कुछ था, इसे हम कनेक्ट करके देखते हैं ये कैसे ऑन होगा। तो मैकबुक के साथ ये देखिए कैसा लुक एंड फील आने वाला है इसका। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए
वाह, मुझे तो देखते ही मतलब क्या बताऊँ कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, चलाने में कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। शो इसको ऑन कैसे करना है, क्या करना है, ये शायद इसमें बैटरी नहीं डली है अभी। ओके, इसमें ये देखिए कनेक्टर दिया हुआ है इसके साथ में, और ये शायद बटन है इसकी, पावर बटन, ये देखिए। वाओ कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, वाओ सो कूल, वाओ ओ माय गॉड। चलिए इसको पेयर करके देखते हैं ब्लूटूथ के थ्रू होगा कि नहीं, कैसे होता है, ब्लूटूथ के थ्रू ही कनेक्ट करके देखेंगे इसको। मैंने ये ब्लूटूथ ऑन कर लिया है इसका। ओके सो इसका मैनुअल में देखते हैं इसको पेयर कैसे करना है। ओके सो फर्स्ट चार्ज द कीबोर्ड यूजिंग द वायर प्रोवाइडेड, ठीक है। चार्ज व्हेन द स्पेस की टर्न ग्रीन वाइल चार्जिंग इट मींस द डिवाइस फुली चार्ज्ड। ओके, इसकी जो स्पेस है वो ग्रीन हो जाएगी अगर फुली चार्ज हो जाएगा स्पेस की। रेड लाइट फ्लैशिंग द स्पेस की इंडिकेट्स लो बैटरी। रेड की अगर ये स्पेस जो है रेड हो जाएगी तो इसका मतलब है ये बैटरी लो हो चुकी है इसकी। ओके, ब्लू लाइट ऑन द स्पेस की इंडिकेट सक्सेसफुल चार्जिंग प्रोसेस ऑन द कीबोर्ड। ब्लू लाइटिंग सो होगी इसमें जब सक्सेसफुल चार्ज हो जाएगा। फॉर वायर्ड मोड ऑफ मोड टू ऑन मोड फॉलोड बाय यूजिंग द प्रोवाइडेड वायर एज अ कनेक्टेड बिटवीन द कीबोर्ड ऑन पीसी लैपटॉप। प्रेस द FN फंक्शन एंड टैब की टू स्विच द वायर की टू वायर कनेक्शन। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि फंक्शन और टैब की, ये फंक्शन है और टैब की वहाँ पर है, तो फंक्शन और टैब ये दबाएंगे तो वायर्ड टू वायरलेस कनेक्शन ये स्विच होगा। ओके अब ओके, ये फिर क्या बोल रहा है, फॉर RF मोड और 2.4 4G कनेक्शन, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। डोंगल इज प्रोवाइडेड इन दिस स्लॉट। ओके, फंक्शन और R प्रेस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम कनेक्शन फंक्शन टैब फंक्शन R एंड फंक्शन P। पहले फंक्शन टैब अब फंक्शन R फंक्शन P मींस फंक्शन पेयर करेगा आई थिंक। ये देखिए P ब्लिंक कर रहा है, ये पेयर करेगा। देन प्लग रिसीवर टू कंप्यूटर इट विल गेट कनेक्टेड। ओके, 2.4 रिफर फंक्शन टैब फंक्शन R इट विल गेट रिकनेक्टेड। तो ये कैसे कनेक्ट करेगा ये मुझे नहीं पता है, इसमें भी नहीं शो हो रहा है। आई थिंक इसमें कुछ डिवाइस को फेयर वगैरह करना पड़ेगा या फिर नियर बाय डिवाइस शो हो रहा है। ये देखिए इसमें भी कुछ फंक्शन R इसमें शो हो रहा है, तो इसे कैसे कनेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, ये भी सर्चिंग कर रहा है नियर बाय डिवाइस।
ये अब इसमें आ गया हाइड्रा नियर बाय डिवाइस, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो चुका है। सेटअप कीबोर्ड असिस्टेंट कंटिन्यू, आइडेंटिफायर कीबोर्ड प्रेस द की इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द शिफ्ट की, शिफ्ट की राइट लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। इसमें बोल रहा है प्रेस द की इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द शिफ्ट की ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड का लेफ्ट साइड इधर है, शिफ्ट की का जो राइट है ये प्रेस किया। प्रेस द की ओनली वंस टू डू नॉट होल्ड डाउन द की फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द की इज रिकॉग्नाइज द लेफ्ट पैनल। प्रेस द की इमीडिएटली टू द लेफ्ट राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। राइट साइड का शिफ्ट ये है, ये प्रेस किया और इसमें ये आ गया। सेलेक्ट द कीबोर्ड टाइप ANSI IS इंटरनेशनल और जेस चाफान। अब ये कौन सा कीबोर्ड, योर कीबोर्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड इज नॉट करेक्ट द टाइप कीबोर्ड, सेलेक्ट द टाइप एंड क्लिक डन। अब इसमें मुझे नहीं पता ये कौन सा है, आई थिंक ये ISO इंटरनेशनल होना चाहिए। IEC और ANSI US GIS जापान, तो इसमें वैसे लिखा होगा शायद, या फिर इसमें इसके मॉडल में कहीं तो लिखा होगा, या इसके बैक पर लिखा होगा ये ISO कीबोर्ड है। ओके, तो ये इस पर सेलेक्ट करके और इसमें डन सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसे यूज करके देखते हैं। वाओ, ये तो वर्क कर रहा है, क्या लुक एंड फील आ रहा है। वाओ, पेज ऑफ पेज डाउन, वाओ। तो ये इसकी टैब की क्यों चली हुई है। ओके, सो ये कनेक्ट हो चुका है। इसको वायर्ड के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इसका लुक एंड फील, और ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है। आप चाहें तो मेरी लिंक के थ्रू आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो ओके, तो बैक लाइट जलाने के लिए भी इसमें होगा, ये गेमिंग कीबोर्ड है एक्चुअली। शो LED मोड फॉर लाइटिंग इफेक्ट, प्रेस द फंक्शन एंड दिस वन, ये फंक्शन एंड दिस वन अपर की, फंक्शन क्या बात है। टू स्टॉप द लाइटिंग प्रेस द फंक्शन एंड एक्स, फंक्शन एंड एक्स, फंक्शन एक्स से ये क्या होगा ऑफ हो जाएगी और फंक्शन और इससे ऑन हो जाएगी। ठीक है, फायर लेवल और ब्राइटनेस इन दिस। ओके, सो इसमें फायर लेवल का ब्राइटनेस है, ये देखिए बिल्कुल लो मोड हो गया, ये हाई मोड हो गया, कितना हाई करना चाहते हो आप। ओके, क्या लुक एंड फील है इसका।
वाह। और भी इसमें कुछ कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द लाइटिंग। लाइटिंग का मूवमेंट हम इनसे, ये देखिए ये मूवमेंट इसका, ये फास्ट होते जा रहा है, इनसे कंट्रोल होगा लाइट का मूवमेंट। वाह। और इसमें और क्या लिखा है, शिफ्ट और फंक्शन, इससे क्या होगा। ओके ठीक है। फंक्शन पी मेक द कीबोर्ड विजिबल टू द सोर्स डिवाइस। ओके ये कनेक्ट करने का तरीका बोल रहा है। प्रेस द फंक्शन टैब, फंक्शन फिर कितने से डिवाइस से कनेक्ट करना है। थ्री कीज ऑन द कीबोर्ड QWE आर डेडिकेटेड फॉर ब्लूटूथ मोड। QWE ये ब्लूटूथ मोड के लिए है। ओके USB नैनो डोंगल भी है इसमें, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ब्लूटूथ नैनो डैम डोंगल है इसमें, ये ब्लूटूथ कनेक्टेड हो गया, ये नैनो डोंगल है, इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, ये केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। कितना सुपर कीबोर्ड है, मज़ा आ गया मतलब इसको लेके मुझे। ओके सो गाइज, अगर आपको ये कीबोर्ड बड़ा अच्छा लगा हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप इसको परचेस कर सकते हैं। सो कैसा आपको लगा ये कीबोर्ड, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपको पसंद आया हो तो। प्लीज़ थैंक यू सो मच।